हे स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है सभी का आरडी स्टडी फाइव चैनल में। चलिए मैं आप लोगों को आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके फर्स्ट पेपर का होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। पहला क्वेश्चन है, अदिश तथा सदिश राशियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, किसी स्केलर फलन के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य है, इसकी भौतिक महत्व समझाइए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, किसी वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस का अर्थ है तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। चौथा हमारा क्वेश्चन है, गॉस के डाइवर्स का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, स्टोक का प्रमेय लिखिए। छठवा हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन के प्रमेय का दोनों रूप लिखिए तथा इन्हें सिद्ध कीजिए। हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। इन सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका अच्छा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम सेकंड यूनिट पर बढ़ते हैं और उसका भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रक्षी एवं आरक्षी बल से क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए। दूसरा हमारा न्यूटन गति के नियम लिखिए, इनकी क्या सीमा है। तीसरा हमारा द्रव केंद्र की क्या अवधारणा है, किसी वस्तु के द्रव केंद्र की किन किन कारकों पर निर्भर करती है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, केपलर के ग्रह गति के नियम दीजिए, सिद्ध कीजिए कि ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्त होती है। तो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड यूनिट का अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम तीसरे यूनिट की तरफ। यूनिट का हमारा पहला क्वेश्चन है, का नियम लिखिए, इसकी सीमाएं लिखिए। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या पॉइज़न अनुपात का मान शून्य हो सकता है, कारण स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, मैक्सवेल की सुई द्वारा किसी तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने चौथे यूनिट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्ती दोलित किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़ता अघुड़ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तीसरा क्वेश्चन है, आवर्ती दोलित का अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, सर आवर्ती गति में ऊर्जा संरक्षण नियम को समझाइए। आज मैं हमारा जो अघोर संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखित तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को इनमें से पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से वो अपने कॉपी पर या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिल जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके सेमेस्टर के एग्जाम दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।